लड़का हो तो बड़े इत्माम की तरीके से अकीका भी होगा भाई, लड़का पैदा हुआ। हमारा काम है दूसरों की जिंदगियां बचाना। यहाँ पर कोई मौजूद है जो सिर्फ पतीली में ऐसा खाता होगा? वो नताशा होगी अंदर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाम देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं आज कहाँ मौजूद हूँ, लेकिन JIA, व्हाट इज़ JIA? आप सोच रहे होंगे JIA क्या है, तो नाज़रीन मैं आज बहुत एक तीसरी दुनिया में मौजूद हूँ। तीसरी दुनिया से मुराद ये कि ना ही मैं मेल्स और फीमेल्स में नहीं, मैं बल्कि ट्रांसजेंडर्स की पर्सनैलिटीज़ में मौजूद हूँ इस टाइम। और JIA उनका कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पर वो एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। और उनके क्या रूल्स हैं, क्योंकि आपको बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जहाँ पर कहा गया कि इनको जॉब्स दी जाएंगी, ट्रांसजेंडर्स को ये किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं, हमारी सोसाइटी में इनको बहुत ही बुरा समझा जाता है, इनको हेल्प आउट नहीं किया जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दिन इनके साथ स्पेंड किया जाए। और JIA क्या है, JIA के हवाले से भी आपको बताएं कि इनका जो कम्युनिटी सेंटर है वो किस तरह से लोगों को हेल्प आउट करता है, यानी जो इनकी कम्युनिटी के लोग हैं ट्रांसजेंडर्स किस तरह से हेल्प आउट करते हैं, और इसके अलावा भी इनके और क्या मसरूफियात हैं। सो क्योंकि हम लोगों ने हमेशा इनको जो है वो डांस करते या इस तरह से इन चीज़ें ये चीज़ें करते देखा है, तो आज हम आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचाएंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब सोचने के लिए, पूछने के लिए और जानने के लिए कि क्या चीज़ें हैं। सो मेरे साथ रहिएगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। Stay tuned. Hi. Hi, कैसी हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो मैं बैठ जाऊँ? तो बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ इस पे के ख्वाजा साहब ये की इज्जत से हम काम कर रही हैं, हमारा मांगना ये भीख मांगना ये सब इन चीज़ों से हमारी जान छुटी है, तो हम शुक्र करते हैं ऊपर वाले का, कमाल है कि हम ये काम करें। एच आई वी एड्स के ऊपर मैं काम करती हूँ, मैं जाती हूँ विजिट करती हूँ। अच्छा। और उनके बल्कि एच आई वी एड्स के ऊपर टेस्ट वेस्ट लेती हूँ, काफ़ी अवेयरनेस हो गई है लोगों में, पहले तो ख्वाजसराओं में, अब दुनिया में काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, तो हम लोग जाती हैं विजिट करती हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं। हमारा काम है दूसरों की जिंदगियाँ बचाना, तो अच्छा लगता है हमें काम करना, हम वर्किंग है, हम जॉब करती हैं, बिजी बिजी रहती हैं। वैसे आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब जो है अपने काम में मशगूल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साहिमा फरहान है और मैं आउटरीच वर्कर हूँ। बेसिकली हमारा काम प्रिवेंशन है HIV एड्स का। ओके। तो इस सिलसिले में हम लोग जो है ना डेरा टू डेरा विजिट करते हैं। ओके। और कम्युनिटी मेम्बर से मीटअप होते हैं और उनको बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं, उनके टेस्ट करते हैं, और अल्लाह ना करे ऐसा कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसके हम ट्रीटमेंट इलाज वगैरह सब हम लोग करते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि ये क्या कर रही हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अलग शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदारा है और मैंने NGO सेक्टर में काफ़ी टाइम से काम किया है और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है, और एक्चुअली मैं थी ट्रांस, तो ऑब्वियसली दूसरे लोग जो है बहुत स्टिग्माटाइज करते हैं और सोसाइटी में इतनी एक्सेप्टेंस तो आ रही है लेकिन अभी भी लोग उस तरीके से सेंसिटाइज नहीं है, बैरियर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ और मैं आउटरीच वर्कर के जो 8 लोग होते हैं उनका डेटा मैं UNDP के प्रोजेक्ट में डालती हूँ, ग्लोबल फंड का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया कि ट्रांसजेंडर्स को जो है वो जॉब्स दी जाए, हमारी सोसाइटी में ये बड़ा एक इशू है जो सर चढ़ कर बोलता है कि नहीं यार इसको जॉब दे दो उसको जॉब दे दो, लेकिन अगर कोई ट्रांसजेंडर आ गया वहाँ, नहीं भाई हम आपको जॉब नहीं दे सकते हैं, तो यार वो क्या करेंगे, वो बैगिंग की तरफ नहीं जाएंगे वो डांस, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने हमारे साथ जो पेट लगाया हमें उसे पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और जिस तरह आजकल का महंगाई का जो दौर है, जिस तरह महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, तो इन हालात में फिर वो क्या करें। ठीक है, तो मेरी ये अपील है कि प्लीज़ जो है बहुत रिस्पेक्टफुली इनको भी देखा जाए। देखिए सब एजुकेटेड हैं, ये नहीं कि सब कोई एजुकेटेड नहीं है या उनमें सेंस नहीं है,
बल्कि हम लोगों से ज़्यादा ही उनके पास नॉलेज होगी। तो आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से अभी जो सब वर्किंग कर रहे हैं, कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। मज़ीद हम यहाँ पर और भी बात करेंगे, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि प्लीज़ इनको भी जो है वो पॉजिटिव वे में देखना स्टार्ट कर दें। क्या प्यारा सा नाम है आपका, आप तो खुद इतनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताया ना, ये बाल इतने प्यारे क्यों हैं? इतने भी नहीं, बस नहीं ना, मतलब लंबे लंबे। क्या यूज करती हैं आप? मैं ऑयल लगाती हूं, सरसों का। सरसों का ऑयल हम भी लगाते हैं, हमारे तो रुके रुके हो गए हैं भाई जी। होते हैं बस, आपके अच्छे हैं। अच्छा, थैंक यू भाई, मेरे बाल अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि क्या कर रही हैं अभी, ये क्या कर रही हैं? मैं अपना पेपर वर्क कर रही हूं। अच्छा, और फिर ये की प्लान बनाती हैं, आज वर्क प्लान बनाऊंगी, एक हफ्ते का वर्क प्लान बना लेती हूँ, फिर उसी हिसाब से ना आउटडोर फील्ड पे जाती हूँ। अच्छा, आउटडोर में जाती हूँ? जी जी, मैं पूरे कराची में जाती हूँ, जहाँ जहाँ हमारी ट्रांस रहती हैं। अच्छा। मैं खुद बाइक चलाती हूँ और वहाँ पे जाती हूँ। अच्छा, बाइक भी चलाती हैं? जी जी, बाइक चलाती हूँ। क्या बात है, बाइक भी जाती हूं। मतलब बाइक भी चलाती हैं, हैवी बाइक चलाती हैं या नॉर्मल? नहीं, हैवी चलाती हूं। अरे भाई जबरदस्त, अभी और हैवी जरूर जो है, मैं एक राइड करना चाहूंगी आपके साथ। हाँ हाँ भाई, मैं इनके साथ एक राइड करूंगी कि बाइक भी चलाती हैं, बहुत जबरदस्त चीज हो गई है। ये क्या हो रहा है भाई? मैं खाना खा रही हूँ। क्या खा रही हैं? अच्छा, आलू मटर आई थिंक। नहीं नहीं, ये है मटन और आलू का सलाद। भाई वाह भाई वाह, तो क्या भूख बहुत ज्यादा लगती है? मुझे तो बहुत भूख लगती है। क्यों भाई? सुबह जब आई थी ऑफिस से, आपकी फिगर से तो नहीं लग रहा कि मतलब खाती पीती रहती होंगी ये 24 घंटे, इनके फिगर से लग रहा है भाई। क्या कह रही है? खाती का मैं चुपती ज्यादा है भाई। क्यों, आपसे क्यों तंग है ये? नहीं, प्यार है ना ये इसका, मुझ पर नजर रखती है, ये कब चुग रही है, कब खा रही है, मोहब्बत है ये। अच्छा, वैसे तो कहते हैं कि अगर खाने पीने पे नजर रखो तो खाए पे लगता नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इनकी फिक्र ये जो मेंटेन है ना, इसी वजह से कि खा रही होती है और यहाँ पर नजरें जो है वो इन पर होती है, फौरन खत्म कर देती है। अच्छा, तो ये बताएं कि डेली रूटीन क्या है आप लोगों की? सुबह ऑफिस आना, ऑफिस आने के बाद नाश्ता ना करना और बर्दाश्त करके लंच का वेट करना। अच्छा, फिर ऊपर ही माँ बिंदिया रहती है, उनकी किचन से खाना चुराना, फिर वो घर का खाना खाना। मतलब क्या वो आपको देती नहीं है रिस्पेक्टफुली तरीके से? नहीं, आपको खाना आपको चुराना पड़ता है? हाँ ना, रोज रोज के लग बात तो देती है, जब खाना एक्स्ट्रा हो जाता तो जाहिर है, जैसा कि जैसा ये सब बता रहे हैं कि इतना खाती हैं कि भाई सबके घरों में अनाज कम हो गया है भाई। जब दोबारा भूख लगती है चोरी करती है। अच्छा, फिर चोरी कर लेती है। नाजिन, ऐसा भी होता है कि हम लोगों को जो खाने में मजा, हम सबको सर्व करने के बाद जो है वो पतीलियों में शुरू हो जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि हम लोगों को मजा ही नहीं आ रहा था जब तक पतीली को साफ ना करें। तो ऐसा यहाँ पर कोई मौजूद है जो सिर्फ पतीली में से खाता हो? वो नताशा होगी अंदर। अच्छा, पतीली में से मजा ही नहीं आता ना जब तक पतीली साफ नहीं। खुश होती हूँ, कहती मुझे पतीली होने देना बारिश, मेरा लग रहा है कि कराची में लोग करते ही नहीं थे पतीलियां। कराची में सिर्फ एक दफा बारिश अच्छी लगती है, मजीद ज्यादा दिन इतनी है बारिश अच्छी लगती। देखें देखें, स्टिंग आ गई है उनकी। ये कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये पूरी जो देख जाइए, किसके लिए आई है भाई? ये अभी इनकी डाइटिंग है, तो अल्लाह माफ करे कि अगर जब ये डाइटिंग छोड़ेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं GIA के प्रोग्राम मैनेजर, तो मज़ीद मालूमात हम इनसे लेंगे कि क्या रोल प्ले कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और ये सारी चीज़ों को मैनेज करना कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा इनके क्या विजन्स हैं, ये क्या विजन्स देखती हैं, इन फ्यूचर क्या प्लान है। सो बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेकअप के बगैर भी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, आप ये दिल ना रखें क्योंकि लो भाई, जब किसी की तारीफ करो तो
दिल रखने की बात नहीं है, मतलब मुझे मेकअप करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं इसी तरह ही कंफर्टेबल रहती हूँ विदाउट मेकअप। लेकिन आप बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा तो ये बताएं कि क्या विजन है आपके और क्या देखती हैं GIA के हवाले से, क्या रोल प्ले कर रही हैं अभी? देखो सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊँ कि जो जेंडर इंटरेक्टिव लाइन्स एंड ऑल्सो नोन एज GIA, ये एक ऐसी तंजीम है जो ख्वाजा सराओं ने बनाई और ख्वाजा सराई इस पे काम करते हैं और अपने ख्वाजा सराओं के लिए ही काम करते हैं। सबसे मेन पॉइंट, अच्छा इस माशरे में आप ख्वाजा सरा का जब कॉन्सेप्ट देखते हैं या आपके माइंड में कोई ख्वाजा सरा आता है तो आप कहते हैं ये कोई नाच गाना कर रहा होगा, ये कोई जिस्म फरोशी का वर्क कर रहा होगा या ये सड़क पर भीख मांग रहा होगा, मगर वी आर हेयर टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप। एक प्रोग्राम मैनेजर, मैं इस इदारे में एक प्रोग्राम मैनेजर हूँ और बल्कि मेरी बहुत सारी टीम मुख्तलिफ अहदों पे इस वक्त फाइज हैं, ठीक है, और हम एक मतलब एग्जांपल हैं जो मर्द औरत कर सकते हैं वो ख्वाजा सरा भी कर सकते हैं। माशरे में जो हमारे साथ स्टिग्मा जुड़ा है वो हमारी काबिलियत पे जुड़ा नहीं है, हमारे जिन्स पे, जिन्स को स्टिग्मेटाइज किया गया है कि मतलब आप सिर्फ यही गलत काम करने के लिए हैं, आप सिर्फ गलत चीज़ों को के लिए ही इस्तेमाल हो सकते, ऐसा नहीं है। हमें ये चीज़ काम करने में मजबूर भी माशरे ने किया है और ये सिलसिला, ये स्टिग्मा, ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है हमारी फैमिली से। आपके घर में लड़की पैदा हो तो आप उसके लिए कम खुश होते हैं मगर उसकी भी तरबियत बहुत अच्छी करते हैं। लड़का हो तो बड़े इत्माम की तरीके से अकीका भी होगा, भाई लड़का पैदा हुआ उसके लिए, बस पैदा होती है उसके लिए ये डिसाइड करिए ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, फौज में जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। लड़कियाँ फौज में नहीं जाएंगी पर फिर भी लड़कियाँ जाती हैं क्योंकि वो भी मतलब उन ख्वातीन के साथ भी स्टिग्मा जो, मगर बहुत अच्छे अच्छे घरानों में भी ख्वाजा सरा भी पैदा होते हैं, मगर जब वो पैदा होते हैं तो उनको फैमिली से डिसऑन कर दिया जाता है क्योंकि आपकी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत और नफ्स, आपकी माशरे की जो आपकी जो इज्जत बनी हुई उसमें आपकी मुदाखलत कोई ना करे, आपकी आपकी जो बनी बनाई जो सो कॉल्ड जो हमारा माशरा है जहाँ पे सिर्फ शुरफा रहते हैं वह उसमें जो है वह ख्वाजा सरा पैदा हो जाए तो उनको गलत समझा जाता है। मगर मैं उन पेरेंट्स से ये कहूँगी कि हमें कोई यूनिलीवर मैन्युफैक्चर नहीं करना, हमें कोई PNG मैन्युफैक्चर नहीं करना, जिस तरह लड़की पैदा होती है इस तरह हम भी पैदा होते हैं, इसी तरह हमारी भी पैदाइश होती है, तो हमारे साथ इतना फ़र्क क्यों? आप हमारे साथ फ़र्क करके अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक के खुदा जो है, जो अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है, आप उसके साथ फ़र्क कर रहे हैं। उसे अगर एक ट्रांसजेंडर को वो तालीम दें, वो तरबियत दें, वही हकूक दें जो आप लड़के लड़की को दे रहे, तो हमारे साथ जुड़े ये स्टीरियोटाइप फैशन कभी रहे भी नहीं। और जिस तरह एक मर्द औरत जो है वो मतलब इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट है, इस तरह ट्रांसजेंडर भी इस मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि GIA कब से स्टार्ट हुआ? GIA का आगाज़ जो है वो 2002 में हुआ। उस वक्त ये एक सपोर्ट नेटवर्क था जो कि हमारी फाउंडर बिंदिया राणा जी ने जो है और कुछ एक्टिविस्ट के साथ मिल के ये बनाया, और इनका जो मेजर मकसद ये था कि ट्रांसजेंडर पे होने वाला वॉयलेंस को कम किया जाए और उनको बराबर के हकूक मिला जाए। ये स्ट्रगल पाकिस्तान में पहली दफ़ा बिंदिया राणा जी की तरफ से शुरू हुई और ये मतलब ये मूवमेंट एक चली और इस तरह फिर मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ ज़िलों से जो है वो ट्रांसजेंडर्स भी एक्टिव हुए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे ट्रांसजेंडर्स की नुमाइंदगी मौजूद है, और यहाँ तक कि हमें इवन रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसजेंडर और डिसेबल पर्सन की रिजर्व सीट भी होगी, तो ये हमारी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ ज़ैनिश की बात से, लेकिन मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि हम जैसे हम उस खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं, मर्द हैं औरत हैं, उसी तरह ट्रांसजेंडर्स भी हैं, तो खुदारा इनके साथ इस तरह का सलूक करके या कुछ भी नेगेटिविटी क्रिएट करके अपने खुदा को नाराज ना करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बिंदिया राणा जो कि जेंडर इंट्रैक्टिव अलायंस की फाउंडर हैं, तो मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तो ये बताएं कि आपने जो ये बुनियाद रखी GIA की, तो ये कब से रखी थी? 2002 में मैं काम करने निकली थी और उस टाइम मैं सोच रही थी कि मुख्तलिफ इदारे थे जो औरतों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, कुछ माजूरों के लिए काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा
कि ये सब कर रहे हैं, तो फिर मैं उनके पास गई कि आप मुख्तलिफ जगहों में काम कर रहे हैं, क्या ख्वाजा सराओं के लिए कोई कुछ कर रहा है? तो उन लोगों ने बोला नहीं, ख्वाजा सराओं के लिए तो नहीं कर रहा। फिर मैंने उनको बोला कि मैं आप लोगों के साथ काम करना चाह रही हूँ, चाहे आप मजदूर बच्चों पे कर रहे हैं, चाहे आप बेवाओं पे कर रहे हैं, चाहे किसी भी मैटर के लिए कर रहे हो, तो इंसानियत किस्मत है। तो उन लोगों ने बोला नहीं, हम आपको नहीं रख सकते। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अच्छा। कि अगर फ्री हैंड मैं अपनी मतलब उनको सर्विस देना चाह रही हूँ, उनके साथ काम करना चाह रही हूँ फ्री हैंड बगैर सैलरी के बगैर, मगर ये लोग साथ रखने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने उनको बोला वाह क्या मसला है भाई। तो उन लोगों ने बोला एक तो आप खूबसूरत बहुत हैं, और दूसरे बात है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि आपको किसी ख्वाजा सरा से मोहब्बत होगी, प्यार हो गया उसको, जो वहाँ पे साथ रखा है दफ्तर में ये, तो हमारे घर तक लड़ाई पड़ेगी। तो एक स्टिग्मा था। तो मैंने सोचा कि ये लोग तो मतलब नहीं मतलब मुझे साथ चला रहे। तो मैं अपना आप मनवाने के लिए हमने अपने इदारे की बुनियाद डाली। कुछ ख्वाजा सारा ऐसे होते हैं कि मतलब जिनका नमाज जनाजा किया जाता है उनकी वफात के बाद, और कुछ होते हैं कि उनका नहीं किया जाता। तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता दुनिया में। अगर कोई इंसान आया हो उसका जनाजा नमाज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारों का होता है। दरअसल डिफरेंट ये होता है कि हमारे में अगर किसी ख्वाजा सरा का इंतकाल हो जाए तो हम रोना धोना इतना नहीं करते, घर में रखते हैं, और उसके जो अजीज रिश्तेदार हैं जहाँ आस पड़ोस इलाके वाले हैं मैयत उनके हाथ भेजते हैं, वही मतलब मस्जिद में ले जाते हैं, वैसे ही जनाजा हम खुद साथ नहीं होते। अच्छा। अगर हम खुद साथ हो तो पता चले भी आज किसी का इनका इंतकाल हो गया, मरना दोबारा के जो दुनिया में आया उसने मरना ही है। थैंक यू सो मच बिंदिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया, क्योंकि जाहिर है कि बहुत बिजी रहती हैं, इतनी बड़े सेंटर को ये चला रही हैं, फिर भी अगेन थैंक यू कि आपने इतना टाइम दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं किरण के साथ एक जो है वो राइड करूँगी, बाइक राइड करूँगी, तो किरण अभी कहीं जा रही थी तो ये निकल रही थी छुप छुप के कि मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा किरण भाई कहाँ जा रही है, मैं तो राइड करूँगी, आप मुझे जो है एक राइड दिलवा दें। किरण कहाँ जा रही है? मैं फील्ड पे जा रही हूँ, मेरा आज का वर्क है नाज़माबाद जाने का है, नाज़माबाद गोलीमार बिस्मिल्लाह होटल के पास। अच्छा। मार्बल मार्केट की बैक साइड पे नाले के साथ जा रही हूँ। तो हमें भी कहीं थोड़ा सा एक दो घूरे दिला दें। चले वेलकम, आपको मैं उधर ही ले चलती हूँ नाज़माबाद ही अपने साथ। चले ठीक है, अभी किरण जो है वो बाइक स्टार्ट कर रही है। साथ साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, मुझे दीजिए इजाज़त, और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मिशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगेन लास्ट में मैं जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगी कि बी पॉजिटिव, ट्रांसजेंडर्स को लेकर जो हमारी सोच है प्लीज़ उसको बदल दें, आपका जो दौर है इस दौर में एक्चुअली एटलीस्ट बदल दें। सो प्लीज़ अपने खुदा को नाराज़ मत करें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।